बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं की लिस्ट में ऋषि कपूर का नाम जरूर शामिल किया जाता है। 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म हिंदी फिल्मों के स्टार राज कपूर के घर हुआ था। फिल्मी माहौल में पले बढ़े ऋषि ने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। फिल्म मेरा नाम जोकर में वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में छोटा सा रोल निभाने के बाद से ही उनका फिल्मी सफर शुरू हो चला था। आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी कुछ बेमिसाल फिल्मों के बारे में। बॉबी, इस फिल्म से ऋषि कपूर को उनके पिता राज कपूर ने बतौर लीड एक्टर लॉन्च किया था। फिल्म में उनके साथ डिंपल कपाड़िया भी थी। अपनी पहली ही फिल्म से ऋषि रातों रात स्टार बन गए थे। फिल्म के साथ इसके गानों को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। कर्ज ऋषि कपूर के करियर की सबसे हिट फिल्मों में से एक कर्ज थी। इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की लोगों ने जमकर तारीफ की थी और बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। अमर अकबर एंथोनी, इस सुपरहिट फिल्म में अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना के साथ ऋषि कपूर भी नजर आए थे। फिल्म में इतने बड़े स्टार्स के होने के बावजूद ऋषि अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। उनका निभाया अकबर का किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अग्निपथ, साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ में ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आए थे। हालांकि फिल्म के मेन विलेन संजय दत्त थे, लेकिन ऋषि कपूर भी एक्टिंग के मामले में दोनों से कम नज़र नहीं आए थे। फिल्म में उनका रऊफ लाला का निभाया गया किरदार ऋतिक और संजय पर भारी पड़ा था।